भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी और पटना महानगर उपाध्यक्ष आरजेडी के पवन सिंह ने दोनों संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी को जिताने के लिए हर जिला का भ्रमण करने के लिए दोनों तैयारी कर रहे हैं और भागलपुर में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पूरी मजबूती के साथ सारे कैंडिडेट के लिए मेहनत कर रहे हैं और आरजेडी के युवा आरजेडी के पवन सिंह पटना महानगर उपाध्यक्ष भी हर क्षेत्र में जाने के लिए आरजेडी को जिताने के लिए और मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाने के लिए सब लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। पूरा साजिश था तेजस्वी जी को बदनाम करने का, उसके स्वच्छ छवि को बर्बाद करने का एक साजिश। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भागलपुर विधानसभा में आप के सात विधानसभा में आपके कैंडिडेट उतर रहे हैं गठबंधन से, तो कैसे जनता को यकीन दिलाइएगा कि आपकी आपके जो कैंडिडेट उतर रहे हैं वही वहां की विकास कर पाएगी, विकास की धारा बहाएगी? जो भी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने वहां उम्मीदवार बनाए हैं जिनको सिंबल देंगे, निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं का सर्वे उन्होंने कराया है, जो कार्यकर्ता अच्छे कार्य करेंगे उन्हीं को वहां से सिंबल मिलना तय है। और वो जब पूर्व से अच्छा कार्य जिला में कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो जन समस्याओं को लेकर हम लोगों के साथ बैठकर आंदोलन करेंगे। और अभी भागलपुर में बहुत और समस्या है, जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी वहां हम लोग के घर के बगल में है, लेकिन एनटीपीसी जब बना था उन्होंने घोषणा किया था हम यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसे नहीं है। पूर्व जिला में जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नौगछिया को अनुमंडल बनाया था, उसके बाद नीतीश जी का 15 साल हो गया जो कि नौगछिया और भागलपुर में अब जाम हो जाता है, एक गंगा को उस पर है, गंगा किस पर है, नौगछिया को जिला बनाने की बात है तो नौगछिया को आज तक जिला बनाने की कोई घोषणा उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो भागलपुर को मंडल कार्यालय बनाने का उन्होंने घोषणा किया था और सारे फाइल तैयार हो गए थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई तो हमारा मंडल कार्यालय का कोई बात हुई नहीं, वो गायब हो गया। एयरपोर्ट अभी तक घोषणा पर घोषणा करते आए लेकिन एयरपोर्ट का कुछ वहां हुआ नहीं, अनेकों समस्या ही समस्या भागलपुर। आपके पार्टी जो है कैंडिडेट की घोषणा कब कर रही है? घोषणा शुरू हो गया है, प्रथम चरण के लोगों को सिंबल मिलना शुरू हो गया है और द्वितीय और तृतीय चरण के लोगों को 1 से 2 दिन में सारा सिंबल हमारे आदमी नेता तेजस्वी यादव जी दे देंगे। पटना महानगर उपाध्यक्ष पवन सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, उनसे भी जानना चाहेंगे अगर पार्टी आपको भागलपुर की जिम्मेवारी देती है वहां प्रचार प्रसार कैंडिडेट के सपोर्ट में लोगों के बीच जाने के लिए, तो आप कैसे वहां मेहनत करेंगे, क्या आपका वहां रणनीति रहेगी सर? जिला अध्यक्ष के साथ आप कैसे वहां के लोगों के बीच जाइएगा सर, दोनों मिलकर काम क्या? पार्टी भेजना या न भेजना उनकी बात की बात है। मैं जब आरजेडी में जब आया उसके बाद आने के बाद मैंने पहला जो है मैंने काम तिरपेटी प्रखंड में ही अपने जो प्रेजेंट में विधायक हमारे माननीय रामविलास जी पासवान जी उनके साथ मैंने एक कार्यक्रम किया जिनमें जिला अध्यक्ष भी थे हमारे, प्रखंड अध्यक्ष भी थे। मैंने काम तो शुरू कर दिया अपने जिले में, मैं पटना महानगर राजद का उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं पटना महानगर तक सीमित नहीं हूँ। आरजेडी से जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति जुड़े हैं कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनका हर एक का फर्ज बनता है कि वो पटना महानगर के अगर कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो अपने पटना महानगर को ही ना देखें, अगर आसपास उनका जो भी सहयोगी अगर उनसे मदद मांग रहा है या उनको बुलाया जा रहा है तो अपने आप को यहाँ का पदाधिकारी छोड़ के आप इस अगर राजद के परिवार सच्चे हों तो कहीं भी जाके आप उनकी जनसभा करवा सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। आरजेडी का सरकार बनाने के लिए आपको कहीं भी जाने के लिए बोला जाए, आप जिला अध्यक्ष साहब आपको भी अगर कहीं काम इस तरह का मिलता आप भी कहीं जाने के लिए सक्षम? कोई मेंशन थोड़ी कि हमने अगर पटना महानगर का
उपाध्यक्ष का पद भी यहाँ से हमको मिला हुआ, तो हम कहीं और जिले में जाकर काम नहीं कर सकते, ये तो फाउंडेशन तो है, पार्टी का जो सच्चा सिपाही वो कहीं भी जाकर काम कर सकता है, वो तो पार्टी के लिए काम कर रहा है। पूरा परिचय पवन सिंह, पटना महानगर उपाध्यक्ष।